पहला मामला उत्तर प्रदेश जिले के प्रतापगढ़ नगर कोतवाली के पीडब्ल्यूडी चौराहे का है, जहां बेक ऑफ में बदमाश ने गाड़ी हटाने के विवाद को लेकर दबंगों ने सिपाही को गोली मार दी। वहीं गंभीर हालत में सिपाही को इलाहाबाद के लिए रेफर किया गया और साथ में रही महिला सिपाही फायरिंग में बाल बाल बच गई और मौका पाकर घटना को अंजाम देकर कार सवार चार दबंग फरार हो गए। और वहीं पुलिस लाइन में तैनात घायल करण प्रताप सिंह एसपी कार्यालय के आवास के पास दबंगों ने घटना को अंजाम दिया और पुलिस मौके पर जांच में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ से प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। बीच में रोक के ड्राइवर उतरा, उसने गाली दी। क्या गाड़ी घुमाते समय विवाद हुआ आपका? गाड़ी घुमाते समय विवाद हुआ एडिशनल ट्रैफिक के सामने, तो उन्होंने कहा कि गाली दे के कहा कि गाड़ी हटा। तो मैंने कहा तभी से बात कर, उसमें जो अंदर बैठा था उसने तुम्हें शीशा खोला फायर कर दिया, तो वही जान पे गोली ले गई। एसपी अभी भी सामने का मामला है, एडिशनल ऑफिस के सामने। आप क्या करते हैं? पुलिस में। पुलिस में आप? आप शादी वर्दी में थे? कौन सी गाड़ी? कहाँ पर तैनाती है इस समय? कोंडोर थाने में। कोंडोर थाने में आप सिपाही हैं? रहने वाले कहाँ के? लखनऊ के। लखनऊ के। क्या नाम है आपका? करण प्रताप। आप वहाँ पे क्या करने गए थे? करण प्रताप के। आप वहाँ क्या करने गए? हम मोमोज की एक दुकान लगाता है, उसके यहाँ पर डे जाता हूँ, मोमोज खाने जाते हैं। आपके साथ कोई और था कि अकेले थे? अकेले जाता। अकेले थे।